सो वेलकम बैक गाइज, हियर आई एम हेमंत एंड यू आर वॉचिंग एससी गेमिंग। और यहाँ पर हम खेल रहे हैं वॉच डॉग्स का नेक्स्ट पार्ट, कौन सा है मुझे नहीं पता, भैया थंबनेल में देख लेना। और यहाँ पर स्टार्टिंग में काफ़ी बंदे कहते हैं यार मेरी ड्राइविंग अच्छी नहीं है, तो वाकई यार मैं थोड़ा ठोक ठाक के ज़्यादा चलाता हूँ, बट थोड़ी सी अब यहाँ पर मैंने बेटर कर ली है अपनी ड्राइविंग, ताकि देखने में आए आप लोगों को मज़ा आए। और यहाँ पर वॉच डॉग्स के जो ग्राफिक हैं वाकई देख सकते हो आप कि GTA से काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। जो ऐसा लगता है गेम में मतलब ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी डाली गई है, एंड लुक्स वगैरह काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर इसके जो मिशन मैंने किए हैं, वैसे मैंने 3 कर लिए हैं, लेकिन आज थोड़ा मेरे पास टाइम नहीं है तो वीडियो लंबी नहीं बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ी छोटी बना रहा हूँ। तो देखना चाहो तो देख सकते हो भैया, जहाँ तक आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो दोनों मिशन है बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, मतलब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है। मतलब इसमें थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है क्या करें, कैसे करें, किस हिसाब से करें। और इसकी जो पुलिस है वो भी काफ़ी तगड़ी है, मतलब घेर घेर के मारते हैं। तो यहाँ पर जो जाना है काफ़ी दूर जाना है, वैसे तो मैंने कार ऐसी ही चूज़ करी है कि स्पीड जिसमें काफ़ी अच्छी है, बट थोड़ा मुझे स्लो लग रही है। तो आई थिंक मेरे को यहाँ पर एक और बार कार चेंज करनी पड़ेगी और तब दूसरी जगह चलते हैं उड़ा के एकदम। तो यहाँ पर दोस्तों पहुँचने वाले हैं हम अपनी, मैं थोड़ा सा मतलब काट काट के आपको दिखा दूँगा, क्योंकि पूरा दिखाऊंगा ना तो बहुत लंबा पड़ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आज मैंने अभी तक ड्राइविंग ज़्यादा नहीं दिखाई है, तो आज थोड़ा सा ड्राइविंग दिखाने का मतलब मज़ा आ रहा था यार, कार चलाने में सीखने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो मतलब वही था। तो फटाफट से पहुँच के फिर मिशन करते हैं, जल्दी से पहुँच जा भैया। इस कार के थोड़े से मुझे लग रहा है कंट्रोल भी अच्छे है, ये वाली कार थोड़ी सी और ज़्यादा तेज़ चलती है, बट इसका थोड़ा सा स्लिप वाला सिस्टम और ज़्यादा खतरनाक है, मतलब स्लिप बहुत डेंजरस पड़ती है इसमें, लेकिन स्पीड अच्छी लगती है भाई। और यहाँ पर आप विजुअल देख सकते हो इसमें, मतलब थोड़ा शाम का माहौल है तो और भी मस्त लग रहा है देखने में। इसके तीनों यार मुझे ग्राफिक्स बहुत अच्छे लगे, कितनी तारीफ़ करूँ, मतलब बहुत अच्छे यार, डे का और नाइट का, थोड़ा शाम का, इवनिंग का, मॉर्निंग का, और जो बारिश वगैरह होती है सबका, मतलब मेरे को जो मतलब गेम पसंद आते हैं ना वो ग्राफिक्स के कारण ही पसंद आते हैं, मोस्टली मैं चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ। तो यहाँ पर बस हम पहुँचने ही वाले हैं, कई बार तो मिशन फेल हो जाता है, मतलब बीच में ही पुलिस पड़ जाती है पीछे, तो दिक्कत आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैप में बस पास में ही है, तो पहुँच गए। तो यहाँ पर बेसिकली मुझे लगा था कोई बंदा होगा, वैसे गन निकालते ही देखो, फिर जो गन निकाली थी इतने में पुलिस ने बस देख लिया, मतलब वहाँ से ये देखो घूमती रहती है इसमें, इतनी दिक्कत है। तो यहाँ पर मुझे लगा कोई बंदा होगा, बट ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमें जाना है और आई थिंक ये कार चुरानी है, प्रॉब्लम ये है कि बंदे बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, जो भी पुलिस वाले हैं या जो भी नॉर्मल है, आई थिंक नॉर्मल है, तो ये बहुत सारे हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब ये चुराने ही नहीं देते हैं, एक को पता चलता है वो पूरा फ़ोन कर देता है, ओ भाई यहाँ आ जा, यहाँ आ जा, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो ये कार यहाँ पर है और वहाँ दरवाज़ा बंद है, तो ये दरवाज़ा मुझे खोलना पड़ेगा, तो उसके लिए की चाहिए, जो की एक दूसरी जगह कमरे में है वहाँ से मिलती है, वो हम लेंगे। और एक और कुछ चीज़ें है, मतलब वो सब चाहिए होता है, बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ से आप देख सकते हो अगर ये दरवाज़ा खुल गया तो इधर लेफ़्ट साइड में मेन दरवाज़ा था, वहाँ से मैं ले आता पूरी कार चला कर, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पहले पीछे से जाते हैं, पहले पावर देनी होगी, मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए पावर नहीं है, वहाँ पर पावर कट कर रखी है सालों ने। तो यहाँ पर दरवाज़ा खोल दिया मैंने, ये वाला तो पुलिस वाली है, पहले ये उधर देखे, उधर देखेगी तो पीछे से वार करेंगे इस पर, वाह वाह करेगी अभी, बस हेला ख़त्म इसका। अब आप इधर जाओगे तो इधर हो सकता है आपको कोई चीज़ मिले, ये पता नहीं क्या है, इधर कुछ मोबाइल वगैरह की चीज़ थी मिली थी, उसी के सामने यहाँ पर ये चीज़ है, ये पावर सप्लाई देगी, इसको ऑन कर देते हैं, जिससे शायद हमारे दरवाजे वगैरह खुले हैं, पता नहीं ऐसी कुछ है, मतलब ऑटोमेटिक है ना तो पावर तो चाहिए भैया। अरे ये क्या, अभी भूकंप सा आया, ये देखो ये पावर लाइन का अभी दिखाया था ब्लू सा लाइन, तो पावर आ गई है। हम यहाँ पर से ये ओपन हो जाएंगे दरवाज़ा, ये ओपन हो गया, अंदर ही कार है, यहाँ पर ये वाला भी ओपन कर देता हूँ, तो सीधे धड़ाम धड़ूम करके ले जाऊँगा। तो यहाँ पर मैं पीछे आ गया हूँ, और यहाँ पर हमारे पास एक हैकिंग सिस्टम है, मैं चाहूँ तो इस कार को बाहर ऐसे ही मोबाइल से निकाल सकता हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था ये वहाँ तक भी चली जाएगी। तो मैंने कहा यार ये ट्रिक तो काम नहीं आई, मतलब मुझे अंदर ही जाना पड़ेगा, अंदर ये दो जमूरे ऊपर की तरफ हैं, नीचे यहाँ पर पीछे चाबी है,
अब ये चाबी किसकी है मुझे नहीं पता, या तो दरवाजे की है इसकी या फिर कार की है, पता नहीं। कार को तो पता नहीं, वैसे ही खोल देता हूँ मैं। यहाँ पर ये जो ये चलते हैं ना, ये बॉट्स हैं, इनसे थोड़ा सा बच के रहना पड़ता है, ये साले घूमते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल कोई नहीं है यहाँ पर, ये तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। वार्निंग तो हो जाती है लेकिन अंदर आते ही। यहाँ पर जैसे ही मैं खोलूँगा ना इसका गेट, तब देखना, तब ये ऑटोमेटिक दरवाज़ा बंद हो गया, सायरन बज गए, सब लोग आ गए। तो यहाँ पर अब दोबारा से पहले दरवाज़ा खोलता हूँ मैं यार। चलो दरवाज़ा खोल दिया है, अब चलते हैं इसको लेकर। अब एक दिक्कत और है, ये कार तेज़ नहीं चलती और यहाँ पर सब तरफ पुलिस वाले, और एक और चीज़ है आगे से आ जाती हैं। पीछे वालों को तो चलो तुम कर भी सकते हो। यहाँ पर ये देखो, ये पानी में पता है क्यों गई, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। मतलब जिस तरफ हमें जाना है ना, उस तरफ सीधा हाईवे है, एक ही रोड है, और एक ही रोड पे आप पुलिस वालों को पीछे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो पीछे से तो स्पीड बना के आ जाते हैं। दूसरी चीज़, आगे वाले को कॉल कर देते हैं, हाँ भाई तू तू तैयार रहे तैयार रहे, तो आगे से अटैक कर देते हैं। तो मैं बहुत देर तक करता रहा लेकिन वो पीछे रह ही नहीं पा रहे थे, तो मैंने कहा यार दूसरी सड़क लेते हैं, पहले इनसे पीछे छुड़ाते हैं। और इनसे पीछे छुड़ाने का सिंपल तरीका है, जितना मोड़ सकते हो गाड़ी गली कूचों में उतना मोड़ दो, 2 मिनट में ये पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं पड़ता हम किधर मुड़ गए। यहाँ पर वही मैं करता हूँ, यहाँ पर देखो 2 मिनट में एस्केपिंग लिखा आ गया। अब इधर उधर टहलते रहो जब तक पूरी तरीके से एस्केप ना हो जाओ, कई बार यार वो सामने पड़ जाते हैं तो फिर दोबारा दिक्कत। तो यहाँ पर एस्केप होने के बाद अब यहाँ पर कार को वही ले जाते हैं, डिलीवर करना है। कार की स्पीड वैसे तो ठीक हो जाती है अगर आप एकदम चलाते रहो, लेकिन फिर भी उतनी नहीं है यार, पुलिस वालों की कार हमसे बहुत तेज़ चलती है तो वो तुरंत पकड़ लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक हम पुल पार करते ही पहुँचने वाले हैं, देखते हैं। हाँ शायद से थोड़ा पास ही है, 400 मीटर करीब ऐसे ही है। हाँ आ ही गए, बस राइट टर्न, तीखा टर्न आएगा अभी ये वाला, और यहीं पर पार्क कर देनी है। तो हो गया भाई काम, मैं दोबारा इसे ही ले जाकर देखता हूँ यहाँ पर मिशन कंप्लीट करने के बाद जाएगी या नहीं, तो लॉक होती है जा नहीं पाते हम इसको लेकर अब। तो बेसिकली यहाँ पर पहला मिशन हो गया, दूसरा मिशन उससे भी ज़्यादा हार्ड है ये वाला। यहाँ पर पुलिस वाले एक बंदे को, एक कैदी को छुड़ाना है। तो पहले इसको तो मैंने कर दिया, वो दे दिया शॉक, और ये बंदूक यार काफ़ी अच्छी लगी। मतलब बंदूक चलाओगे तो आवाज़ होती है, पता चल जाएगा ये वो, तो लेकिन इससे क्या शौक तो काम ख़त्म। और यहाँ पर दूसरी तरफ आते हैं हम, इसके पीछे बिल्डिंग के चारों तरफ है ना पुलिस वाले, तो सब मेरे को मतलब प्लान करना पड़ता है। अब इधर से ये ऊपर जो लुप लुप बत्ती जल रही है ना, इधर से एक चाबी वगैरह कुछ लेनी है। इस कार के पीछे कुत्ता है, कुत्तों से बच के रहना है यार, तेज़ दौड़ते हैं गिरा लेते हैं साले, 2 मिनट में खेला ख़त्म कर देते हैं। आ जा बेटा आ जा, आराम से आ जा। तो ये भी गया। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, ये क्या है ना, थोड़ी देर तक अगर दूसरे पुलिस वाले आएंगे ना तो इन सबको जगा लेंगे। ओ उठ बे उठ, तू सो गया, तू क्या हो गया भाई, आर यू ओके, वो सब जग जाते हैं। ये मैं जितों को मारूंगा ना, मेरे को ये सब गए, 10-15 मिनट बाद ये दोबारा एकदम तरोताज़ा पानी वानी मुँह पे मार के एकदम जिंदा कर देते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर, फिलहाल तो अब कोई नहीं है हमें देखने वाला। यहाँ पर एक और है, एक बंदा अंदर है उसके, वो देख तो लेता है बट मैं जल्दी से उसे मार ही देता हूँ। तो यहाँ पर इसे शौक देते हैं, ये गया। चलो फटाफट से अपना काम कर लेते हैं। किधर है भाई? इधर इधर ही कैमरा सा होता है, वैसे अभी पता नहीं ये एक्टिवेट है या नहीं, लेकिन मोस्टली रहता है। तो आप इसमें ये वाली गन मार के इसको कुछ देर के लिए बंद कर सकते हो, या फिर अगर आप AK-47 या उस टाइप की गन्स मारोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो लेकिन लोगों को पता चल जाता है। अभी क्या है ना, देखो साइलेंट हो गया एकदम, काम किसी को पता नहीं चला। तो यहाँ पर अब ये भी यहाँ पर ही वही करना था, पावर सप्लाई देनी थी वो गेट खोलने के लिए शायद कैदी वाला। तो यहाँ पर मैंने पावर दे दिया है, अब चलते हैं वापस। इधर से आए थे ना? हाँ इधर से ही। अभी कोई नहीं है ना यहाँ पर, पहले जब मैं थोड़ा सा हल्ला गुल्ला करके आता हूँ ना, कुल्ला करवा देते साले, इतने साले आ जाते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं यहाँ पर। अभी भी शायद कोई देखेगा, ये देखो देखा 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 देखा, ये ऊपर है छतों पे हैं 2 या 3 लोग फिलहाल। तो यहाँ पर मतलब कुछ इधर से मैं जा नहीं सकता, तो मेरे को घूम के ही जाना है, तो इधर से मैं घूम के ही जाता हूँ।
आधा काम कर दिया अब हमने, कोई टेंशन वाली आराम से करो। ज़्यादा हड़ौड़ी करता हूँ ना तो मैं हमेशा लपता हूँ। यहाँ पर देखो ये बाहर तक छानबीन करने आ रहे हैं पुलिस वाले कि हमारे साथी मरे कैसे, कौन था, कहाँ था। अब देखो वापस वहीं आ गए जहाँ से हम स्टार्टिंग में चले थे, तो यहाँ से ऊपर यहीं पर है वो कैदी, ऊपर की साइड सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। यहाँ से भी सीधा मैं जा सकता था लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले रहते थे इसलिए मैं नहीं गया था चाबी लेने, वो पावर ऑन करने। यहाँ पर देखो ये जा रहा है, ये इधर ही घूमता रहता है। एक दो को और मैंने ढेर करा था यहाँ पर, बहुत सारे मैंने मारे थे ऐसे ही, आपको दिखाया नहीं है, वरना वो सब सही कर दिए इनने, पानी छिड़क छिड़क के मुँह पे। अब खुला था गेट यार, यहाँ पर ये क्या कह दी। अब इसको क्या करना है, खोलना है। अच्छा इधर से नहीं है, ई आ रहा है ऑप्शन। अच्छा ई से करना है। अभी ये देखना, You're gonna be ये all नहीं right. कि ये चुपचाप चले, Appreciate it. मैंने पूरा प्लान बना लिया था यहाँ से चलेंगे। ये उल्लू का पट्टा यहाँ पर फायर कर देता है, ये लो सबको बता दिया इसने। खामा सा मतलब फाइट लेनी पड़ेगी, वो लग गए तो उल्लू, और वो पता नहीं कहाँ ऊपर नीचे से सब तरफ से आ जाएंगे। अभी देखना कूद कूद के, मैं तो भैया यहाँ से निकल लेता हूँ। ऊपर लिखा रहा है यू मस्ट लीव, तो मैं तो भैया लीव कर रहा हूँ। तू लड़, तू अकेले लड़, देखूँ कब तक लड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं लीव कर पाते हैं। ओए वो बिना हाथ लगाए, अरे आ गया एस्केपिंग। कार लूँ? नहीं रहने दो यार, कार लेते तो सामने से पड़ जाते हैं यार। ऐसे क्या है ना, इधर उधर मैं छुप सकता हूँ, सी दबा के वो हाइडिंग वाला आ जाता है ना थोड़ा कवर लेके, तो वो भी कर सकते हैं। ये देखो ये आया, किसी ने देखा, चलो बच गए। बस थोड़ी देर और छुपना है मुझे, बंदूक रख के भागता हूँ, नहीं तो बंदूक से भी इफेक्ट पड़ता है। बंदूक निकाल के भागते हैं ना तो ये जो लोग भागे ये कॉल कर देते हैं, अरे भैया यहाँ पर कोई है। चलो अब भागते हैं तेज कार लेके, चल निकाल तू चल। अरे हो गया कम। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे हम इस नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।